7 अक्टूबर की सुबह जब भारत के साथ ही एशिया में लोग सोकर उठे तो खबर मिली कि इसराइल पर फिलिस्तीनी चरमपंथी आतंकी संगठन हमास ने 5000 से ज्यादा रॉकेट से हमला कर दिया। 7 अक्टूबर की सुबह हमास द्वारा इसराइल पर किए गए हमले ने सबको हैरान कर दिया। उस हमले में एक के बाद एक 5000 रॉकेट दागे गए। वहीं इसके जवाबी कार्रवाई करते हुए इसराइल ने हमास के 400 से ज्यादा आतंकी ढेर कर दिए। बता दें कि इसराइल ने ऑपरेशन आयरन सॉर्ट्स की घोषणा के साथ जवाबी कार्रवाई की। वहीं हमले के दौरान हमास के लड़ाके इजरायली सीमा में घुस गए। वहीं इसराइल की स्थानीय मीडिया का दावा है कि हमास ने करीब 50 सैनिकों और नागरिकों को बंधक भी बना लिया है। हालांकि इस युद्ध के दौरान इसराइल के रक्षा सूत्र कहे जाने वाले आयरन डोम प्रणाली की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। बता दें कि इससे 4 किलोमीटर से 70 किलोमीटर तक दूरी से दागे गए रॉकेट मोटर को रोकने और नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसराइल की आयरन डोम टेक्नोलॉजी को दुनिया की सबसे अच्छी वायु रक्षा प्रणालियों में से एक में गिना जाता है। फिलिस्तीनियों का गढ़ कहे जाने वाले गाजा पट्टी से इसराइल पर कई बार हमले किए गए, लेकिन हर बार इसराइल का मजबूत डिफेंस सिस्टम आयरन डोम उसे नाकाम कर देता है। इसी वजह से इसराइल उग्रवादियों की घुसपैठ से बेफिक्र रहता है। देखा जाए तो हमास के आतंकियों द्वारा किए जा रहे इस हमले में अब तक सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं और कई लोगों की घायल होने की खबर सामने आई है। पहले तो केवल गोलियों से आतंकी लोगों को निशाना बना रहे थे, लेकिन अब रॉकेट के द्वारा इसराइल के अलग अलग भाग को निशाना बनाया जा रहा है। साथ ही इसराइल ने जवाबी कार्रवाई करने की कोशिश में अपनी आयरन डोम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, लेकिन इसमें सेना पूर्ण रूप से कामयाब साबित नहीं हुई। जानकारी के लिए आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक इस लड़ाई में दोनों तरफ से 300 लोगों की जान जा चुकी है, जिसे रोकने में इसराइल की मिसाइल विरोधी प्रणाली आयरन डोम दूसरी बार फेल हुई है।